नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो आज मैं एक बार फिर सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एंजल टेक एनालिसिस पर। जो भी मेरे दोस्त सज्जन मित्र आज पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया चेक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लें। तो जैसे मैं हर वीकेंड पर आप लोगों के लिए एक स्टॉक लेकर आता हूँ, उस स्टॉक की एनालिसिस करके बताता हूँ, उसके सारे टेक्निकल और फंडामेंटल के बारे में बताता हूँ। तो जो इस बार मैंने इस वीकेंड पर जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया है, वो स्टॉक का नाम है बाटा इंडिया। देखिए, बाटा इंडिया जो है एक बहुत ही अच्छा जो है समझ लीजिए मल्टी बैगर स्टॉक है, जिसने कि मतलब पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा रिटर्न रिटेलर्स को और मतलब जो भी स्टॉक में जिसने निवेश किया था सबको एक अच्छा रिटर्न दिया है। तो इसलिए मैंने आज बाटा का स्टॉक सिलेक्ट किया है। तो मैं इसके जो है टेक्निकल एनालिसिस चालू करने से पहले आप लोगों को मैं इसका थोड़ा प्रोफाइल वगैरह बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को जो है अच्छी तरह इसके बारे में पता चल जाएगा। तो देखिए, जो बाटा जो कंपनी है वो जो है फुटवेयर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और ये जो सेक्टर है वो कंज्यूमर क्लाइकल से जो है रिलेटेड है। और जो बाटा कंपनी है उसमें इस करंट टाइम में जो है 4,890 इम्प्लॉयज जो है इसमें जो है वर्क कर रहे हैं। और जो है इसमें जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं उनका नाम है राम कुमार गुप्ता, और जो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है राजीव गोपाल कृष्णन, एंड जो है वाइस प्रेसिडेंट इस बाटा कंपनी के जो है वो है अरुणदीप गांगली। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसके बारे में कुछ और आपकी आपको मैं नॉलेज दे देता हूँ कि इस समय जो इंडिया में जो इसके टोटल स्टोर हैं वो नियर अबाउट 1200 के नियर अबाउट हैं, बाटा के जो स्टोर हैं जहाँ पर इनके मतलब शोरूम वगैरह हैं जहाँ पर इनकी सेलिंग वगैरह होती है, वो इंडिया में 1200 जो है शोरूम है। और इसके जो है अप्रोक्सीमेटली जो डीलर है, जो मतलब फ्रेंचाइजी हम कह सकते हैं, वो ओवर 30,000 है, मतलब 30,000 के ऊपर है। और ये कंपनी जो है गुड़गांव बेस्ड है, मीन्स ये कंपनी जो है फैक्ट्री जो है इनकी वो गुड़गांव में है। ठीक है, और इसका जो है लास्ट जो इसने बैलेंस शीट अपनी पेश की थी वो उसमें इन्होंने 5,044 करोड़ रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट दिखाया था। ठीक है, तो ये था इसका प्रोफाइल। तो चलिए अब हम इसका जो है देखते हैं, इसका जो है टेक्निकल एनालिसिस मैं आप लोगों को अब सिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए, जो मैं टेक्निकल एनालिसिस आपको करके सिखाता हूँ ना, उसको जो है आप भी अपना चार्ट ओपन करके जिस तरह से मैं उसमें टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ उस तरह आप भी उसमें ड्रॉ करिए। देखिए, मेरा जो मेन मोटिव है वो आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस सिखाना है। देखिए, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख गए तो शायद मेरे हिसाब से आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी स्टॉक की टिप्स वगैरह लेने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर मेरा मेन मोटिव जो है आप लोगों को जो है सिखाना है और मतलब आपको अपने पैरों पर स्टैंड करना है। तो चलिए, जैसे कि हम हर स्टॉक में क्या करते हैं, एक साल की हम एनालिसिस करते हैं, तो चलिए इसमें भी हम जो है एक साल की जो हम एनालिसिस यहाँ से चालू करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम थोड़ी सेटिंग वगैरह मैं कर लेता हूँ, जैसा कि आप लोग हमेशा देखते हैं। तो ये सेटिंग मैं इसको अब यहाँ पर थोड़ा ब्लैक कर लूंगा और इसको मतलब ऐसे कर लूंगा कि आपको अच्छे से क्लियर दिखाई देगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे जो इसका लास्ट टाइम का जो हाई लगा हुआ था 2017 में, तो उसको हम इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमने ये ड्रॉ कर लिया है, तो अभी हमको देखना है कि अब नेक्स्ट टाइम में ये हाई कहाँ पर टच होने के लिए आता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह से जो है एक ये हमको रेजिस्टेंस मिल गया, हम इस रेजिस्टेंस को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, देखिए अपनी आईज को इतना परफेक्ट कर लीजिए ना कि जैसे ही कि आप चार्ट को ओपन करें और वहां पर आपको अपने आप पैटर्न दिखाई देने लग जाएं। ठीक है ना, कि आपको मतलब आईज आपकी देखते ही बता दें कि यहाँ पर ये पैटर्न बन रहा है। मतलब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करके आपको परफेक्ट होना है। तो यहाँ पर देखिए, जिस तरह से मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ये ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर एक इस तरह से देखिए असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है। ठीक है, असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न ये जो है अक्सर जो है जब अप ट्रेंड में ये बनता है तो जो है वहां पर हमको एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि स्टॉक जो है ऊपर की दिशा में ही जाएगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पर जो है ना थोड़ा चार्ट छोटा कर बड़ा कर लूंगा और आप लोगों को दिखाते जाऊंगा, एनालिसिस करके बताते जाऊंगा। चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जब भी असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बना है, असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है,
837 के नियर अबाउट यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, और ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो हुआ है 21 जून 2018 को। यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद देखिए अब ये जो रेजिस्टेंस था अब इसके लिए ये सपोर्ट का काम कर रहा है, और यहाँ पर सपोर्ट पर आने के बाद देखिए इसने जो है नियर अबाउट 15 to 20 days यहाँ पर अपना जो है बिताया है, 15-20 दिन यहाँ पर ये रेंज में रहने के बाद। देखिए जैसा मैं आपको बताता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर जाने के बाद स्टॉक जो है कुछ दिनों के लिए या कुछ टाइम के लिए रेंज बाउंड हो जाते हैं, और जब उस उन रेंज बाउंड का जब ब्रेकआउट होता है ना तो ब्रेकआउट एक काफी अच्छा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 से 20 दिन यहाँ पर स्टॉक रेंज बाउंड हुआ है, रेंज बाउंड होने के बाद यहाँ पर जब ये 850 रुपये का लेवल जब इसने क्रॉस किया है, तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर इसने एक रैली दिखाई है। ठीक है, तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, अब हमारे पास सॉरी ये क्या अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये जो हमने पीछे ये ड्रॉ करके रखा हुआ था अब हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे। इसलिए देखिए 850 रुपये निकलने के बाद इसने जो नया हाई लगाया वो लगाया 1100 रुपये का, ठीक है ना। अभी 1100 रुपये का हाई लगाने के बाद ये जो है नीचे की तरफ इसने मूवमेंट की है, और नीचे की तरफ इसने मूवमेंट कहाँ तक की है वो हम देखेंगे। देखिए ये जो हमने यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा हुआ था इसी को हमने आगे की तरफ एक्सटेंड कर लिया, ठीक है ना। और जहां पर देखिए यहाँ ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर कुछ टाइम तक इसने यहाँ पर अपना टाइम बिताया था, तो सेम देखिए जब ये स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ आया है तो सेम इसी जो है अपने रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाते हुए यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये नीचे की तरफ आया है 840 और 50 के लेवल पर, नीचे आने के बाद एक बार फिर इसने यहाँ से बाउंस बैक लिया, बाउंस बैक लेने के बाद फिर जो है नेक्स्ट टाइम फिर इसी सपोर्ट पर आकर जो है इसने सपोर्ट लिया है। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने जो है एक इस तरह से देखिए डबल बॉटम पैटर्न बना लिया है, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पर ये चीजें ड्रॉ करके बताते जाऊंगा जिससे आप लोगों को जो है अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको मैं यहाँ पर ये जो है व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है, तो ब्लैक पर व्हाइट अच्छे से काम करता है। ये देखिए एक यहाँ पर, ठीक है, और सेकंड जो है ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर दो बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है वो डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी किसी स्टॉक में डबल टॉप या डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम बने तो उस समय हमको क्या करना है, उस समय देखिए उस समय हमको RSI चेक करनी है, ठीक है ना, क्योंकि 90% मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये होती है कि उस टाइम में जो है RSI जो है डाइवर्जेंस आपको जरूर बुलिश डाइवर्जेंस या बियरिश डाइवर्जेंस आपको दिखा रहा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सेम देखिए जैसा कि यहाँ पर ये तो एक ही लेवल पर आकर सस्टेन हुआ है, जो इसने डबल टॉप बनाया है, जो फर्स्ट टॉप बनाया है वो भी 840 के लेवल पर, और जो सेकंड टॉप जो बना सेकंड बॉटम जो बनाया है वो भी जो है 840 के लेवल पर। तो प्राइस जो है देखिए एक ही लेवल पर दोनों टाइम आया है और वो लेवल है 840 रुपये का। बट यहाँ पर जो RSI है, RSI देखिए आपको क्या दिखा रहा है, RSI आपको ये दिखा रहा है कि देखिए अब मैं नीचे की तरफ नहीं आऊंगा, मैं जो है ऊपर की तरफ मैंने निकलना है। यहाँ पर RSI का जो आप लेवल देख सकते हैं, यहाँ पर जो है नीचे का लेवल जो है ये 26 का है और ये लेवल जो है ऊपर जो है 50 का है। तो देखिए यहाँ पर दोनों टाइम 840 का लेवल दिखा रहा है, बट यहाँ पर एक बार 20 का लेवल है, एक बार 20 सॉरी 40 50 का लेवल है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गैप है, मतलब यहाँ पर RSI ने जो है बुलिश डाइवर्जेंस दिखा दिया है। तो देखिए बुलिश डाइवर्जेंस अब हमको यहाँ पर देखिए कितनी कंफर्मेशन मिल चुकी है। सबसे पहला तो यहाँ पर एक ये स्टॉक देखिए, हमको कभी भी किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले, ठीक है ना, मेरी बात जरा आप गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, गौर करिएगा, कभी भी किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले हमारे पास मल्टी कंफर्मेशन होनी चाहिए। मीन्स हमारे पास कम से कम 2 से प्लस कंफर्मेशन होनी चाहिए। हम 3 कंफर्मेशन होने के बाद ही ट्रेड लेते हैं। देखिए मैं जो अपने ग्रुप में जो ट्रेड देता हूँ, जो मेरे पेड क्लाइंट्स हैं उनको भी मैं जो ट्रेड देता हूँ वो भी जो है देखिए नियर अबाउट, मैं इस चीज का गुमान नहीं करूंगा, मतलब हमारे जो है 85 to 90% कॉल अच्छे मतलब सही जाते हैं, बिकॉज वो कॉल जो होते हैं उसमें मल्टी कंफर्मेशन होती है, 3 से 4 कंफर्मेशन होती है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है मतलब मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि मल्टी कंफर्मेशन पर ट्रेड लीजिए, या आप सिर्फ डबल बॉटम और मतलब किसी एक बेस पर आप जो है ट्रेड नहीं ले सकते। यहां पर देखिए अभी क्या हो रहा है, हमारे पास कितने कंफर्मेशन है, एक तो यहां पर डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, दूसरा ये जो है स्टॉक जो है ये अपने सपोर्ट पर है, तीसरा और सबसे बड़ा जो है यहाँ पर ये देखिए जो है RSI बुलिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है,
और फोर्थ जो है यहां पर देखिए, ये जो हायर लो बनाते हुए आ रहा था, लोअर लो जो बना रहा था, ये देखिए अब हमारी एंट्री कहां पर होगी, हमारी एंट्री जो है वो यहां पर होगी, ये देखिए यहां पर एग्जैक्टली यहां पर होगी, ठीक है। तो देखिए कितनी पांच कंफर्मेशन हुई तब हमने ट्रेड लिया, डबल बॉटम, सेकेंड ये सपोर्ट, थर्ड ये RSI, फोर्थ जो है इस जो लोअर लो बना रहा था इसका ब्रेकआउट, और फिफ्थ जो है इसने जो लास्ट हाई बनाया था इसका ब्रेकआउट। तो यहां पर हमारे पास पांच कंफर्मेशन है, और पांच कंफर्मेशन होने के बाद जो है हम तो आंख बंद करके एंट्री ले सकते हैं, मतलब हम 99% ये श्योर हो सकते हैं कि यहां से जो स्टॉक ऊपर की तरफ जाइए जाएगा। अब देखिए यहां पर जो इस लास्ट इसका जो हाई लगा था, लास्ट हाई का यहां पर जब ये ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट और नीचे जो है RSI बुलिश डाइवर्जेंस भी दिखा रहा है, ऊपर से जाने के बाद देखिए कोई भी स्टॉक जो है रिटेस्ट करने के लिए आता है, 80% केसों में ऐसा ही होता है। अब ये देखिए ऊपर जाने के बाद, ब्रेकआउट करने के बाद ये रीटेस्ट कहां तक हुआ है, ये रीटेस्ट यहीं तक हुआ है जो पिछला रेजिस्टेंस था। देखिए हमको बहुत पीछे के सपोर्ट और बहुत पीछे के रेजिस्टेंस लेवल पर जाकर काम नहीं करना है, हमको जो लास्ट अभी कुछ दिनों पहले या कुछ इंट्राडे में कुछ घंटे पहले जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस था, हम उन लेवल को लेकर हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए क्या हुआ है, यहां पर इसी ये जो रेजिस्टेंस था, अब यहां पर आके ये जो है 950 के लेवल पर अब इसने सपोर्ट बनाया है, सपोर्ट पर देखिए एक हैमर कैंडल बनी है, और हैमर कैंडल बनने के बाद देखिए स्टॉक जो है ऊपर की तरफ निकल गया है। अब ये देखिए क्या हो रहा है, अब यहां पर जो है देखिए जैसा मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, हमको कभी भी जब हमको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है तो हमको क्या चाहिए होता है, हमने देखने होते हैं दो हायर हाई या दो लोअर लो, या दो लोअर हाई या दो लोअर हाई लो, ठीक है ना। तो हमने ये चीज देखनी होती है, तो अभी ये देखिए ये जो हाई है ये पिछले हाई से ऊपर है, तो हम एक ये हाई पकड़ लेंगे, एक इधर से ये हाई पकड़ लेंगे, ये देखिए हम जो यहां से चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है हमने चलिए यहां शुरू कर दिया। अभी ये यहां पर देखिए यहां पर जो सपोर्ट दिया है, यहां पर एक तो इसको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल गया है, दूसरा जो है इसका जो रेजिस्टेंस था उसका सपोर्ट मिल गया है, ठीक है। अब ये देखिए हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब स्टॉक यहां पर आएगा, नेक्स्ट टाइम जब सपोर्ट ये जो स्टॉक है इस लेवल को टच करेगा, वहां पर हमको एक कंफर्मेशन मिल जाएगी, वहां पर हम ट्रेड ले सकते हैं। देखिए यहां पर जो है एक सपोर्ट ये पीछे भी अपने को मिला हुआ है, तो इसको भी हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए अब यहां पर हमारे पास मल्टी कंफर्मेशन हम इसको कह सकते हैं, देखिए यहां पर दो सपोर्ट काम कर रहे हैं, एक तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, दूसरा जो है ये हमको हॉरिजॉन्टल लाइन का हम सपोर्ट इसको इस तरह से कह सकते हैं। और सेकंड आप जो यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए यहां पर एक ये चैनल बना रहा है, ठीक है, यहां पर एक चैनल के रूप में यहां पर काम कर रहा है। अब देखिए अभी हम क्या करेंगे, अभी यहां से देखिए हमारी बाइंग एंट्री यहां पर हो गई, यहां पर हमारे पास देखिए तीन कंफर्मेशन हो गई, एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन की कंफर्मेशन हो गई, दूसरी हमारे पास ये जो है ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ की थी ये कंफर्मेशन हो गई, और थर्ड कंफर्मेशन देखिए सपोर्ट पर अगर कोई मतलब वहां पर कैंडल जो बनती है वो हैमर टाइप की कैंडल बनती है, या रेजिस्टेंस पर आपको जो है शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल मिलती है, तो वहां पर आपके लिए कंफर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर अभी हमारे पास तीन कंफर्मेशन हो चुकी है, और तीन कंफर्मेशन के बेस पर हम ट्रेड यहां पर ले सकते हैं। तो यहां पर देखिए जब यहां पर हैमर कैंडल बनी है, तो यहां पर 3-4 दिन जो इसने सस्टेन किया है, जब इसको इसने ब्रेक किया है, तो देखिए अभी यहां पर भी इसने हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ जो है निकल गया है। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो चैनल था, देखिए हमने कोई बार बार नए सपोर्ट या नए रेजिस्टेंस जो है अपने टेक्निकल एनालिसिस में ड्रॉ नहीं करने होते हैं, जो हम पिछले सपोर्ट और पिछले रेजिस्टेंस या पिछले ट्रेंड लाइन को लेकर चल रहे हैं, हम उसी को अगर हम एक्सटेंड करते चले जाएंगे तो हमको जो है चीजें आसानी से समझ में आने लग जाएंगी, और जो है स्टॉक में जो है हमारी एंट्री लेनी जो है बहुत आसान हो जाएगी। तो देखिए अभी यहां पर जो ये चैनल बना हुआ था, हम इसी को जो है इस तरह से हम एक्सटेंड कर लेंगे, ये देखिए, ठीक है ना। अभी हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको एक्सटेंड कर लिया, ठीक है ना। जो यहां पर ये चैनल बना हुआ था, हमने इसी लाइन को देखिए अब एक्सटेंड कर लिया है, ठीक है ना। अभी इसी लाइन को एक्सटेंड करने के बाद देखिए स्टॉक यहां पर क्या कर रहा है, स्टॉक देखिए यहीं पर जो है हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो अभी देखिए हमको ऊपर की दिशा में क्या मिल रहा है, हमको यहां पर भी आप जैसा कि देख सकते हैं, एक हमको भी यहां पर भी चैनल मिल गया है, ठीक है।
हमको यहां पर भी एक चैनल मिल गया है। तो अभी देखिए अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कंटिन्यू इस चैनल में चल रहा है, ऊपर की तरफ जब चैनल का जो रेजिस्टेंस टच कर रहा है, टच करने के बाद नीचे आ रहा है। नीचे कहां तक आ रहा है, नीचे जो हमने चैनल का जो ये अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी वहां तक जा रहा है। फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, कहां तक जा रहा है, जहां पर इसका रेजिस्टेंस है ऊपर जो है चैनल हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो नियर अबाउट आप ये देख सकते हैं कि फरवरी से लेकर के और मई तक, मतलब फरवरी मार्च अप्रैल एंड मई, 4 मंथ जो है कंटिन्यू इसने इसी तरह से इस चैनल के अंदर वर्क किया है। नीचे की ट्रेंड लाइन के आने के बाद ये जो है ऊपर की तरफ निकलता है, और ऊपर की तरफ जाने के बाद जो है ये ऊपर ट्रेंड लाइन को टच करके फिर नीचे की तरफ आता है। देखिए चैनल पैटर्न में इसी तरह से होता है। चैनल पैटर्न एक समझ लीजिए एक रेंज बाउंड मार्केट होती है। रेंज बाउंड मार्केट में उस तरह में क्या होता है, चैनल में, चैनल में जब वो ऊपर की ट्रेंड लाइन को टच करेगा तो वो नीचे की तरफ आएगा, और नीचे तक की तरफ कहां तक आएगा, वो जो नीचे की तरफ की जो ट्रेंड लाइन होती है वहां तक आएगा। तो मतलब ये इसी डायरेक्शन में इसी तरह कंटिन्यू काम करते चले जाता है। उसके बाद जब चैनल का ब्रेकआउट होता है फिर जाके वो जो है इस रेंज से बाहर निकलता है। तो अभी यहां पर देखिए क्या हुआ है, अब यहां पर ये चैनल का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है ना। यहां पर चैनल का ब्रेकआउट होने के बाद देखिए मैं आपको यहां पर एक चीज ये दिखाना चाहता हूं कि ये जो रेजिस्टेंस यहां पर काम कर रहा था, हमने इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया। यहां पर चैनल का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है ना। यहां पर जो है हमारी एंट्री हो सकती है, और इसका हम यहां पर ये स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो मतलब लास्ट जो हायर हाई बना हुआ है, ठीक है ना। वो हायर हाई बनने के बाद देखिए स्टॉक जो है यहां तक आया है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर एक बार और दो बार आपको यहां पर दिख रहा है ना, जैसा कि देखिए मैं दिखा रहा हूं, ये वन टाइम मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं ना, तो आपको अच्छे से जो है दिखाई देगा। ये देखिए यहां पर वन टाइम, ठीक है, और यहां पर ये देखिए सेकंड टाइम, ठीक है। और देखिए जैसा जो मैं आपको बताता हूं ना, प्लीज जो आपको जो बातें अच्छी लगे वो आप नोट करते जाइए, क्योंकि देखिए ये करियर है, ठीक है ना। इसको आप एज ए मतलब एंटरटेनमेंट के तौर पर या फिर कुछ दिनों के सीखने के लिए लेते हैं तो वो भी ठीक है, बट इसको अगर आप एज करियर चूज करते हैं तो आप जो है जो चीजें मैं बता रहा हूं शायद ये चीजें कोई भी ना बताएं, क्योंकि ये मेरी अपनी स्ट्रेटेजीज हैं और ये मेरी इतने दिनों का एक्सपीरियंस है, जो मैंने सेल्फ मेड जो मेरी स्ट्रेटेजी हैं जिसको मैंने डिवेलप करके आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। तो उन चीजों का आप देखिए समझिए क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या हुआ है, यहां पर देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं एक ही लेवल पर आने के बाद ये ऊपर की तरफ गया है 1400 रुपए पर, फिर उस लेवल से फिर नीचे की तरफ आया है 1300 रुपए तक। तो अब ये 1300 रुपए पर दो बार आ चुका है, मीन्स यहां पर जो है डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न बने तो हमने उस समय आरएसआई को देखना होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए आरएसआई की आपको दिखा रहा है, आरएसआई आपको क्लियरली यहां पर दिखा रहा है कि ये जो है स्टॉक ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो यहां पर एक लेवल है और यहां पर आरएसआई ने बुलिश डाइवर्जेंस दिखा दिया है, ठीक है। और देखिए इसलिए हम जो है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कभी भी आप किसी भी स्टॉक में एंट्री लीजिए तो वहां पर आपके पास मल्टी कंफर्मेशन होना जरूरी है। मल्टी कंफर्मेशन से क्या होता है, देखिए मल्टी कंफर्मेशन से हमारा जो है कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो होता है, और जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जब ग्रो होगा तभी हम अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। क्वांटिटी देखिए वैसे अगर हम 100 क्वांटिटी लेते हैं और यहां पर हमको अगर कंफर्मेशन हमारे पास 3 से 4 है तो हम वहां पर 1000 क्वांटिटी भी ले सकते हैं। उसमें देखिए क्या होगा, उसमें हमको ऐसा होगा कि हमको डर नहीं लगेगा, किसी भी स्टॉक को हमको ट्रेड करने में डर नहीं लगेगा। मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर अपने पास कितनी सारी कंफर्मेशन हो गई है। एक तो डबल बॉटम पैटर्न बन गया है, सेकंड हमको यहां पर सपोर्ट है, थर्ड जो है यहां पर जो है बुलिश डाइवर्जेंस बन गया है, और अगर हम फोर्थ यहां पर देखेंगे तो ये जो लोअर लो बना रहा था इसका यहां पर ब्रेकआउट है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको पीछे दिखाया था सेम चीज यहां पर फॉलो हुई है, चारों पांचों चीजें सेम चीजें फॉलो हुई है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए यहां से निकलने के बाद ये जो है 1330 रुपए निकलने के बाद इसने जो हाई लगाया है वो लगाया है 1460 रुपए का। तो चलिए मैं ये पीछे की चीजें जो है जो चैनल मैंने ड्रॉ किया हुआ था इसको मैं डिलीट कर देता हूं, और मैं आपको आगे अच्छे से समझाता हूं कि यहां पर क्या हो रहा है। देखिए जब अब यहां से निकलेगा तो हम जो है हमारा टारगेट क्या होगा, देखिए जो मैं आपको इतनी सारी वीडियो पीछे बना के बता चुका हूं, तो शायद अगर आप अच्छे से वीडियो देखते होंगे तो शायद आपको यहां पर अभी ये चीजें कंफर्म हो रही होंगी कि आगे मतलब ये उस स्टॉक कहां तक जा सकता है। देखिए हमारा जो फर्स्ट टारगेट जो होता है वो फर्स्ट टारगेट होता है जो लास्ट हाई लगा हुआ है, मतलब ये देखिए ये जो हाई यहां पर लगा हुआ था, हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। अभी आप देखिए साफ यहां पर क्लियर देख सकते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इसी हाई की तरफ,
1330 रुपये क्रॉस करने के बाद इस यहाँ पर जो लास्ट टाइम यहाँ पर हाई लगा हुआ था, देखिए सेम इसी हाई पर आने के बाद इसने जो है रिवर्स किया है। ठीक है, अभी मैं ये चीज़ डिलीट कर देता हूँ और आपके आगे की टेक्निकल करके दिखाता हूँ, देखिए क्या हो रहा है आगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए जब स्टॉक ऊपर की तरफ निकलना चालू करता है तो वहां पर क्या करते हैं हम लोग, देखिए मैं आपको ये चीजें बार बार बता चुका हूँ और प्लीज ये चीजें अपने माइंड में रखें, ये चीजें आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत काम आएंगी, आप याद करेंगे आपको किसी ने ये सब चीजें बताई थी। देखिए जो है यूट्यूब पर आपको कोई भी चार्ट की एनालिसिस करके नहीं बताएगा कि इस तरह से एनालिसिस की जाती है। ठीक है ना, सब लोग अपना कोर्स बेचने में लगे हुए हैं। ठीक है, देखिए कोर्स हम भी कराते हैं बट हमारा कोर्स कराने का जो है सिस्टम जो है बिल्कुल अलग है। हमारी जो हम देखिए हम क्वालिटी देते हैं, हमें क्वांटिटी में हम काम नहीं करते हैं, हमको ये नहीं चाहिए कि हमारे पास जो है 100 क्लाइंट हो जाए, हम क्वालिटी देते हैं, हम क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं और जो हमारे पास जो लर्न कर रहे हैं जो जिनको मैं टीचिंग कराता हूँ, ठीक है ना, आप जो है उनसे कॉन्टेक्ट करिए, उनसे आपको पता चलेगा कि मतलब उनका एक्सपीरियंस क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जब यहाँ पर हायर हाई बनना चालू करता है तो हम इस तरह से जो है इसको हम दो हायर हाई और हायर लो पकड़कर हम जो है एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यही ट्रेंड लाइन हम आगे की तरफ जो है एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ देखिए अब क्या हुआ है, जब हमने इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर लिया है यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद हमारी एंट्री कहाँ पर होगी, जो लास्ट टाइम का ये जो लगा हुआ है हायर लो लगा हुआ है, जब इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा तब यहाँ पर हमारी एंट्री होगी। और यहाँ पर देखिए इसने इसको यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ रीटेस्ट करने के लिए गया है और रिटेस्ट करने के बाद देखिए ये नीचे की तरफ आया है। और नीचे की तरफ कहां तक आया है आप ये देख सकते हैं, ये पीछे इसका एक सपोर्ट था, ये यहां पर इसका एक सपोर्ट था। ठीक है ना, ये देखिए सपोर्ट मीन्स ये रेजिस्टेंस था इसका, यहां पर एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था, यहां पर रिटेस्ट हुआ था, फिर ये ऊपर की तरफ गया था। ठीक है ना, तो मैं आपको वही चीज मैं दिखाने के लिए पीछे ले गया था। यहां पर देखिए अब क्या हो रहा है, इस सपोर्ट पर आने के बाद अभी यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आने के बाद कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक जो है कुछ टाइम तक वहां पर रेंज बाउंड होगा। रेंज बाउंड होने के बाद जैसे ही उस रेंज का ब्रेकआउट होगा वहां पर आपको एक बहुत ही अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है इस अपना देखिए ये सपोर्ट पर आया है, सपोर्ट पर आने के बाद ये देखिए ये जो पिछला यहाँ पर रेजिस्टेंस था सपोर्ट था, यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस बना है, उसके बाद जब इसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है तो ब्रेकआउट होने के बाद देखिए स्टॉक देखिए कहाँ पर गया हुआ है। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए हम सेकंड जो है अब हम यहाँ पर कंफर्मेशन अपनी देखेंगे कितनी कंफर्मेशन हमारे पास है। ठीक है ना, तो ये जो है हम कुछ अगर हायर हाई हायर लो जोड़ लेंगे तो हम इस ट्रेंड लाइन को भी एक लेकर चल सकते हैं। ठीक है ना, एक हमारी ये कंफर्मेशन हो गई, दूसरा कंफर्मेशन हमारा ये सपोर्ट है, तीसरा कंफर्मेशन जो है यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये कंफर्मेशन हमारे पास इतनी सारी कंफर्मेशन हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए अब यहां से निकलने के बाद स्टॉक कहां पर जाएगा, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए। मान लीजिए हमने यहां पर स्टॉक बाय कर लिया है तो अभी हमारे पास अगला टारगेट क्या होना चाहिए कि मतलब हमको कहां पर बुक करना है। ठीक है, तो हमारा देखिए जैसे मैं आपको पिछली बार बताया था कि हमारा जो है पिछला हाई होना चाहिए, पिछला हाई जो था हम उस हाई तक जो है अपना पहला टारगेट बुक करेंगे। तो ये देखिए ये जो पिछला जो हाई था इस हाई पर आके हम अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। और अभी आप देखिए मैं आपको सॉरी मैं ये चीजें जो है ना डिलीट कर देता हूँ और आपको थोड़ा सा और एक चीज इसमें दिखा देता हूँ कि जो यहाँ पर पैटर्न और एक बन रहा है। ये लीजिए ये सब चीजें मैंने यहाँ पर डिलीट कर दी हैं। ठीक है ना, और आपको एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए अब ये एक रेंज है। ठीक है ना, यहाँ पर एक ये रेंज बनी हुई है और ये रेंज जो है कब से बनी हुई है, ये 18 अप्रैल 19 से लेकर के ये अगस्त 19 तक नियर अबाउट 4 से 5 महीने के अंदर ये जो है स्टॉक देखिए एक ही रेंज के अंदर इसने ट्रेड किया है। और देखिए जैसा मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी रेंज का ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट होने के बाद जो है उसका जो है पहला टारगेट क्या होता है, उसका पहला टारगेट वो होता है जो जो उसका मतलब लास्ट टाइम में रेंज बना हुआ है। अब देखिए इसकी जो रेंज बनी हुई है ये नीचे 1260 रुपये है और ऊपर की जो रेंज है वो 1460 रुपये है, मीन्स यहाँ पर 200 रुपीज की रेंज है। तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा, हमारा यहाँ पर पहला टारगेट 200 रुपीज होगा, मतलब अगर 1460 रुपये को यहाँ पर क्रॉस कर रहा है तो हमारा पहला टारगेट जो है 1660 रुपये होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं हमारा टारगेट अचीव हुआ कि नहीं, सर यहाँ पर टारगेट अचीव हो गया है।
ठीक है ना। देखिए हमारा जो पहला टारगेट होना चाहिए वो पहला टारगेट तो सेम मतलब 200 रुपीज, और जो दूसरा टारगेट होगा वो उसका डबल होगा मतलब 400 रुपीज होगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो है हमारा टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है, यहाँ पर हमारा टारगेट नियर अबाउट अचीव हो गया है, ठीक है ना। 400 रुपीज का 2 टाइम्स हमको यहाँ पर टारगेट जो है हमारा अचीव हुआ है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अभी जब इसने इस रेंज का ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद जो है ये देखिए ऊपर ये गया है नियर अबाउट 1781 रुपये तक, ठीक है। और अभी देखिए यहां पर जो है हम इस तरह से ये चीज बना लेंगे, ये देखिए, ठीक है। क्योंकि देखिए जब यहां पर रेंज में निकला है, रेंज में निकलने के बाद इसने पहला हायर लो ये बनाया है, ठीक है, ऊपर की तरफ गया है, और दूसरा हायर लो इसने यहां पर बनाया है। चलिए हम इसको जो है पीछे की तरफ देख लेते हैं। नहीं जी, ये तो इस टाइम जो है लाइफ टाइम हाई पर ही मतलब ये काम कर रहा था। तो जब कोई भी स्टॉक, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक जब किसी भी लाइफ टाइम पर अपने काम कर रहा होता है, तो हम वहां पर उसको किस तरह से नापते हैं कि मतलब ये स्टॉक आगे ऊपर कितना कहां तक जा सकता है, देखिए उस चीज के लिए होता है एक फिबोनाची लेवल, ठीक है ना। हम उसको फिबोनाची के हिसाब से चेक करते हैं कि ये स्टॉक जो है कहाँ तक ऊपर जा सकता है और कहाँ तक नीचे आ सकता है, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पर जो है मैं आपको यहाँ पर भी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसने एक चैनल बना लिया है, ठीक है, ये देखिए ये ओके अब हाँ ठीक है ना। आप यहां पर देख लीजिए यहां पर भी एक इसने चैनल बना लिया है, ऊपर की तरफ गया है, ऊपर की तरफ नीचे देखिए कहां तक आया है, नीचे आया है। ये मतलब जो हमने ये ड्रॉ करके रखा हुआ था ये इसका दूसरा जो है हायर लो है, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम जो है इसने इसको ब्रेक कर दिया है। देखिए यहां पर कई पैटर्न बन रहे हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पर क्लियर दिखाई देगा। एक देखिए ये देखिए, एक तो यहां पर ये बन रहा है, ठीक है ना, इस तरह से देखिए नीचे की जब सपोर्ट की तरफ से नीचे से निकला है। तो यहां पर देखिए मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं, यहां पर कितने सपोर्ट बन रहे हैं, कितने पैटर्न बन रहे हैं। देखिए पैटर्न के अंदर पैटर्न छुपे होते हैं, ठीक है ना, पैटर्न के अंदर पैटर्न छुपे होते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार बताता हूं। ये देखिए ये स्टॉक जो है नीचे की तरफ आया है, नीचे की तरफ आने के बाद फिर जो है ये ऊपर जो है रिटेस्ट करने के लिए कहां तक गया, ये देखिए। इसको अगर हम पीछे तक भी लेके आए तो बीच में इसका ये एक सपोर्ट बन जा रहा है, ये देखिए ऊपर की तरफ गया है, नीचे आने के बाद यहाँ पर कुछ टाइम सस्टेन करने के बाद फिर ऊपर जो है चैनल के ट्रेंड लाइन को टच किया है, फिर नीचे की तरफ आया है, ठीक है, इसको रीटेस्ट किया है, फिर नीचे आया है। अब ये देखिए इस लेवल को तोड़ने के लिए जो हमने बीच में ये जो लेवल ड्रा करके रखा हुआ है 1740 रुपये का, इस लेवल को तोड़ने के लिए देखिए कितनी बार इसने मशक्कत की है। एक बार गया है ये नीचे की तरफ आ गया है, सेकंड टाइम गया फिर नीचे की तरफ आ गया, थर्ड टाइम गया फिर ये नीचे की तरफ आया, लास्ट मतलब फोर्थ टाइम में इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया है। ब्रेकआउट करने के बाद जो है ऊपर का चैनल को जाके इसने टच किया है, ठीक है ना। और अभी चलिए मैं अब इसको डिलीट कर देता हूं और मैं आपको जो है फ्यूचर लेवल समझा देता हूं कि मतलब आने वाले टाइम में इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। अब ये देखिए यहां पर जो है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, तो इसका लास्ट का जो हायर लो लगा हुआ है वो जो लेवल है वो है 1600 रुपये का, ठीक है ना। तो हम इसको जो है यहां पर नीचे की तरफ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर देखिए अगर आप यहां पर अगर देख रहे होंगे तो यहां पर सेम लेवल पर आकर अभी ये स्टॉक यहां पर खड़ा है, ठीक है। तो देखिए अभी हमको आने वाले टाइम में इसमें क्या करना है, आने वाले टाइम में हमको मैं यहां से जो है ना एक मतलब लंबे लेवल पर यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ये देखिए, ठीक है ना। अब ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है, बड़ा करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है, ये सॉरी नीचे टच नहीं हुआ है, मैं इसको हाँ ठीक है, अब ये लेवल टच हो गया, ये देखिए हमको ये लेवल टच होना करना है, ठीक है ना। ये लेवल टच होगा तो अगर इसको टच होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा उसा ऊपर नीचे हो सकता है। अभी यहां पर देखिए हमको क्या करना है, देखिए मैं आने वाला मतलब जो अगर कोई इसमें ट्रेड लेना चाहता है तो मैं उस चीज के बारे में आप लोगों को समझा देता हूं कि यहां पर मतलब आपने अगर इसमें ट्रेड लेना हो तो आप जो है किस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए अब ये जो है लास्ट टाइम जो है ये बाटा इंडिया जो है 1600 रुपये के लेवल पर, ठीक है ना, 1600 रुपये के लेवल पर आने के बाद देखिए इसने कितनी अच्छी रैली की थी। जो ऊपर जो गया हुआ है वो गया हुआ है नियर अबाउट 1900 रुपये, मतलब यहां से 300 रुपये की मूवमेंट यहां पर हुई है। अब देखिए बिकॉज स्टॉक ऑलवेज रिपीट हिस्ट्री, क्योंकि ये जो स्टॉक है ना वो मतलब हिस्ट्री को दोहराते हुए चले जाता है। आप किसी भी स्टॉक में देखेंगे तो सेम चीजें काम करती हैं, ठीक है ना, जो चीजें पहले ही हुई हैं वही चीजें आने वाले टाइम में काम करती हैं। तो देखिए हमारी प्रेडिक्शन जो है इसी लेवल पर होती है, इसी आधार पर होती है,
ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए मार्केट में 100% यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको कोई बोले कि मैं आपको जो है मतलब ऐसा करके दे दूंगा वैसा करके दे दूंगा, तो उसके झांसे में बहकावे में बिल्कुल मत आइए। अपनी टेक्निकल एनालिसिस करिए, अपनी टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, ठीक है ना। देखिए सीखने से बढ़कर यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर आप सीख गए तो यार लाइफ टाइम अर्निंग है यहाँ पर। सर यहाँ पर इतना पैसा है, इतना पैसा है कि आप संभाल नहीं सकते, आप रख नहीं पाएंगे। बहुत पैसा है स्टॉक मार्केट में। बस अपने को जो है उस लायक बनाना है हमें, ठीक है ना। हमको उस लायक बनाना है कि हम उस लायक हो जाएं कि हम उस पैसे को हम पकड़ सकें, ठीक है ना। और उस लायक हम कैसे बनेंगे, उस लायक हम देखिए हमको बनने के लिए हमको अपनी जो है लर्निंग पावर पे जो है ध्यान देना होगा। लर्निंग पावर अपनी बढ़ानी होगी, लर्निंग पर फोकस करना होगा, ठीक है ना। चलिए मैं आपको जो बता रहा था, जो देखिए यहाँ पर 1600 रुपये पर आने के बाद इसने जो है 1900 रुपये का लेवल टच किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी देखिए सेम चीज हो रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर स्टॉक जो है 1600 रुपये के लेवल पर आकर यहाँ पर खड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए हमारे पास इस समय दो सपोर्ट का जो है अपने पास कंफर्मेशन है। एक तो ये सपोर्ट जो हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है 1600 रुपए का, ये जो हॉरिजॉन्टल टाइप का सपोर्ट है, ठीक है। एक तो ये सपोर्ट है, सेकंड जो है ये जो हमने लॉन्ग टर्म की, ये जो हमने ट्रेंड लाइन रेड कलर की जो आप देख रहे हैं, इसको जो है मैं व्हाइट कलर कर देता हूं तो आपको जो है अच्छे से थोड़ा समझ में आ जाएगा, और मैं इसको थोड़ा थिक कर देता हूं, ठीक है ना। तो ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, ये जो पीछे की ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है ये 2018 से, तो 2018 से जो है 2019 हो गया, 2020 हो गया, इन 2-3 सालों में इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेकर बाटा इंडिया कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाता रहा है। और इस बार भी जो है देखिए ये इसी लेवल पर आकर जो है इसी ट्रेंड लाइन पर आकर खड़ा है। तो अभी हमको यहाँ पर देखिए दो कंफर्मेशन है हमारे पास, एक ये ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन है और सेकंड जो है ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका कंफर्मेशन है, ठीक है ना। अभी हमको एक कंफर्मेशन और चाहिए। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर स्टॉक जो है अभी कुछ दिन सस्टेन हो यहाँ पर, मतलब 10 से 15 दिन या 1 वीक टू 10 डेज, 11 डेज, 12 डेज, मतलब कुछ दिन यहाँ पर सस्टेन हो। सस्टेन होने के बाद देखिए यहाँ पर एक रेंज बन जाएगी, ठीक है ना। रेंज बनने के बाद जब उस रेंज का ब्रेकआउट होगा, ठीक है ना, जब उस रेंज का ब्रेकआउट होगा फिर हम ऊपर की तरफ जो है इसमें मूवमेंट देखेंगे। और मूवमेंट हम कहाँ तक देखेंगे, शायद इस चैनल तक वो जाएगा, ठीक है ना, या अदरवाइज हमारा पहला टारगेट ये हो सकता है 1760 रुपये, ठीक है ना। पहला टारगेट इसमें हमारा 1760 रुपये होगा, ठीक है ना। सेकंड टारगेट इसमें जो है हमारा होगा 1824 रुपये होगा, और थर्ड टारगेट हमारा जो है 1900 रुपये होगा। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ। देखिए इस लेवल पर आने के बाद इसको चाहिए कि 1 हफ्ता से 10 दिन यहाँ पर सस्टेन करे। सस्टेन करने के बाद जब यहाँ पर रेंज बन जाएगी, उस रेंज का जब ब्रेकआउट होगा, उस ब्रेकआउट होने के बाद उसमें हमारी एंट्री होगी, और उसमें जो है हमारा मतलब फर्स्ट टारगेट जो इसमें होगा वो होगा 1700, मतलब मैं आपको एक मिनट ये लेवल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। हाँ 1780 रुपये फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट होगा हमारा 1825 रुपये, और थर्ड टारगेट होगा हमारा 1900 रुपये। देखिए एक तो यहाँ पर ये सिचुएशन बन सकती है, सेकंड सिचुएशन जो बन सकती है जिस तरह से कोरोना वायरस ने हमारे मार्केट के ऊपर इफेक्ट डाला है, तो वो सेकंड सिचुएशन देखिए ये बन सकती है कि यहाँ पर इसका ब्रेकआउट भी हो सकता है। ये जो सपोर्ट यहाँ पर 1600 लेवल का जो ये सपोर्ट है, इसको ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन भी कर सकता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। मैं आपको देखिए एक चीज तो यहां पर ये बन जाएगी, ठीक है ना, ये एक तो स्टॉक यहां पर ऊपर की तरफ निकलने की सिचुएशन में है। दूसरा स्टॉक क्या होगा, दूसरा जो है यहां पर मैं आपको एक मिनट प्रेशर करके दिखा देता हूं। यहां पर रेंज बाउंड करने के बाद ये ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड इसमें ये सिचुएशन बन सकती है कि ये 1600 का लेवल ब्रेक करे। 1600 का लेवल ब्रेक करने के बाद ये इसको रीटेस्ट करने जाएगा। रीटेस्ट करने के बाद फिर जो है ये नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से दो सिचुएशन बन सकती है। तो हमको दोनों सिचुएशन पर जो है अपना ध्यान फोकस करना है, ठीक है ना। नीचे देखिए ये 1600 का लेवल ब्रेक जब करेगा तो देखिए हमको ब्रेकआउट होने के जस्ट उसी समय हमको ट्रेड नहीं ले लेना है, हमको वहां पर वेट करना है। हमको वहां पर ये चीज वेट करनी है कि 1600 का लेवल ब्रेक हो। ब्रेक होने के बाद वो कुछ नीचे आए, नीचे कहाँ तक आए, देखिए फर्स्ट लेवल तो हमारा देखिए ये हो सकता है जो कि मैंने आपको बताया है, ये जो हमने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ तक ये आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर आने के बाद फिर जो है ये ऊपर की तरफ जा सकता है, फिर ये नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है ना।
तो मतलब यहां पर वेट करिए, 1600 का लेवल ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद जो है ये यहां पर रिटेस्ट करने के लिए जाए, रिटेस्ट करके जब वहां पर जाता है तो वहां पर कुछ दिन सस्टेन हो, एक रेंज बनाए, रेंज बनाने का जब उसका ब्रेकआउट करेगा जो है शूटिंग स्टार कैंडल के साथ, फिर हम वहां पर एंट्री ले सकते हैं। चलिए वो चीजें तो मैं आपको टाइमली टू टाइमली मैं टेलीग्राम पर अपडेट करता ही रहूंगा। वैसे जो भी लोग मतलब मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, मैं वहां पर कॉल्स पोस्ट करते रहता हूँ, चार्ट वगैरह पोस्ट करते रहता हूँ। अगर किसी ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो तो जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके वो चैनल ज्वाइन कर सकता है। सेकेंडली जो अगर मेरे मतलब अलाइस ब्लू में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके अलाइस ब्लू में अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसका आपको जो है बेनिफिट ये होगा कि मैं आपको जो है अपने सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर लूंगा, उस सपोर्ट ग्रुप में मैं कॉल्स वगैरह देते रहता हूँ, इंट्राडे कॉल्स मैं देता रहता हूँ, और हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी जो है आपको 10-20% के जो है डिस्काउंट मिलेगा अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो। ठीक है, चलिए सेकेंडली जो है मतलब हम जो है ज्यादा देखिए लर्निंग पर फोकस करते हैं। हमारे कुछ पैकेज हैं, अगर आप ज्वाइन ज्वाइन करना चाहें तो आप हमारे पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें देखिए हम क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम उसमें जो है डेली कॉल्स देते हैं, उसमें इक्विटी कॉल्स होती है, फ्यूचर कॉल्स होती है, कमोडिटी कॉल्स होती है, ठीक है ना, वो पैकेज के हिसाब से है। प्लस जो है हम हर संडे जो है वेबिनार करते हैं, जो है अपने स्टूडेंट्स वगैरह को लर्निंग सिखाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस का पूरा नॉलेज देते हैं, उसमें स्ट्रेटेजीज बताते हैं, चार्ट का सेटअप कैसे करना है वो चीजें बताते हैं। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आपका दिन शुभ हो, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।